हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। और ये हम जानने वाले हैं अकॉर्डिंग टू NFPA स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में पता तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसके कितने क्लास होते हैं अकॉर्डिंग टू कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार, वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो डाउट है, ये हर किसी के मन में ज्यादातर होता ही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हर एक स्टैंडर्ड के अनुसार कितने क्लासिफिकेशन आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि IS 15683 2018 के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, जिसको इंडिया में अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन नॉर्म 2 के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, जिसको UK और यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई किया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं NFPA 10 स्टैंडर्ड के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होते हैं, जिसको US कंट्रीज में अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 15683 2018 के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इसमें क्लास ए फायर है ऑर्डिनरी सॉलिड कम्बस्टेबल मटेरियल फायर, यानी कि सॉलिड को लगने वाली जो भी फायर है वो इस कैटेगरी में आती है, एग्जांपल के तौर पर वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास बी फायर, जिसमें आता है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, यानी कि जो भी फ्लैमेबल लिक्विड हो या फिर कम्बस्टेबल लिक्विड हो वो इस कैटेगरी में आता है, एग्जाम्पल के तौर पर डीजल हो, पेट्रोल हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास सी है, वो है फ्लैमेबल गैस फायर, जिसमें कम्बस्टेबल गैस हो या फिर फ्लैमेबल वेपर हो उसको लगने वाली जो फायर है वो क्लास सी फायर कहलाती है, एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन गैस हो, एसिटिलीन गैस हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास डी फायर है, वो है कम्बस्टेबल मेटल फायर, यानी कि कम्बस्टेबल मेटल की जो भी फायर है वो इस कैटेगरी में आती है, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो, पोटेंशियम हो, मैग्नीशियम हो, एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद क्लास एफ है, वो है किचन फायर, जिसे कुकिंग ऑयल फायर भी कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल्स हो या फिर फैट्स हो। तो इस प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल 5 क्लासिफिकेशन होते हैं फायर के, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इसमें क्लास ए है ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर, एग्जांपल के तौर पर वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। क्लास बी है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, जैसे कि एग्जांपल है डीजल, पेट्रोल, एक्सेट्रा। क्लास सी है फ्लैमेबल गैस फायर, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, एसिटिलीन गैस, एक्सेट्रा। क्लास डी फायर है कम्बस्टेबल मेटल फायर, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। और क्लास एफ फायर है कुकिंग अप्लायंसेस यानी कि फैट्स, जिसे किचन फायर भी कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स। और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फायर। तो दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में नहीं आता है, यानी कि इसको क्लास नहीं दिया गया है, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल फायर का सिंबल देखोगे तो वहां पर ई टाइप का जो क्लास है वो नहीं आता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिंबल जरूर होता है, यानी कि ये जो है ये एक प्रकार की आग है जिसको डिवाइड यहाँ पर किया है, लेकिन इसको क्लास का फॉर्म नहीं दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या फिर अप्लायंसेस हो उसके वजह से जब तक आग लगी है वो इस कैटेगरी में आती है, जो है इलेक्ट्रिकल फायर। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई बंद किया जाता है तो ये जो आग है वो डिवाइड हो जाती है, जो बाकी हमने क्लासेस ऑफ फायर देखे हैं उसमें। तो दोस्तों, ये जो है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको समझना है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल फायर है लेकिन उसको क्लास में कंसिडर नहीं किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू NFPA 10 स्टैंडर्ड के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इसमें क्लास ए है ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर, एग्जांपल वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास बी है फ्लैमेबल लिक्विड एंड गैसेस फायर्स, एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास सी फायर है, वो है इलेक्ट्रिकल फायर, एग्जाम्पल की जो भी इनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसको अगर आग लगती है तो वो इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि क्लास सी कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद है क्लास डी फायर, जो है कम्बस्टेबल मेटल फायर, एग्जाम्पल सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, एक्सेट्रा। और फिर लास्ट में है क्लास के फायर, और क्लास के में आता है कुकिंग ऑयल फायर्स, जिसे हम किचन फायर भी कहते हैं, एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स।
तो यहाँ पर आपको समझना है कि इंडियन स्टैंडर्ड में टोटल 5 क्लासिफिकेशन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी 5 क्लासिफिकेशन है, जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में सेम ही है। लेकिन ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आग लगती है तो उसको भी यहाँ पर कैटेगराइज किया है, लेकिन उसको क्लास नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक प्रकार की फायर है। और NFPA स्टैंडर्ड में बताया गया है कि फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल गैस वाली जो फायर है इसको दो क्लास में डिवाइड न करके एक ही क्लास में इसको बताया गया है, जो है क्लास बी फायर। और यहाँ पर क्लासिफायर में इलेक्ट्रिकल फायर को ऐड किया है। और लास्ट में यहाँ पर क्लास के फायर है, यहाँ पर क्लास एफ फायर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, इसको आपको समझना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी कहते हैं, और वो हमने जाना अकॉर्डिंग टू NFPA स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।